ื่ออะไรครับนัตตี้นัตตี้ค่ะऔर कुछ ऐसे स्ट्रिप्स क्लब भी जो ओपन बने हुए हैं, आप ये भी एंजॉय कर सकते हैं। तो हाँ जी, किदा सारे वेलकम बैक। तो जी आ गए कौन है आप लोग लेके? तो जी आज हम खड़े हैं केएफसी के अंदर। एक्चुअली क्या बताया जा रहा था, और आज शर्ट पहनी हुई है मैंने सोंकरन वाली, और अभी निकल रहे थे। एक्चुअली मैं रास्ते में ही था, जो हाईवे मेन पताया का ये रेस्ट एरिया है वहीं पर रुका हुआ था। मैंने कहा पहले खा के निकलते हैं, ऐसे भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था। तो मैंने चिकन राइस का ऑर्डर दिया केएफसी के अंदर, क्योंकि यहाँ केएफसी के अंदर चिकन राइस मिलते हैं 65 बाट के अंदर। इसमें सेट भी मिलता है 70 बाट का, अगर आपने ड्रिंक लेनी है साथ में, और अगर किसी को ना समझ आए कि क्या खाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है केएफसी के अंदर चिकन राइस। स्पाइसी चिकन राइस आते हैं जो, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है 65 बाट के अंदर। और यहाँ केएफसी के अंदर पेप्सी जितनी मर्जी लो, रिफ़िल कर सकते हो, मशीन लगी हुई है, सेल्फ सर्विस है, जितनी मर्जी पेप्सी पी सकते हो। और ये इनके स्पाइसी चिकन राइस है, मतलब इजी कोई भी खा सकता है। अगर जिसको प्रॉब्लम है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, थायराइड में आके दिक्कत ज़्यादा होती है, तो केएफसी के अंदर ये मिलते हैं स्पाइसी चिकन राइस, अल्टीमेट है। और मेरे ख्याल से इससे बेस्ट डील नहीं हो सकती यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मली आप कहीं भी फूड ऑर्डर देते हो तो 40 से 50 बाट तो वैसे ही लग जाते हैं, और ये 65 बाट में बगैर पेप्सी के, और अगर आपने विद पेप्सी लेना 85 बार, ठीक है। एक और बार रिफिल कर लेते हैं। ये सबसे बढ़िया जुगाड़ है। तो जी अपना हो गया डन, अब निकलते हैं यहाँ से। बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर मुझे नहीं लगता कि पहुँच गया होगा 45 से ऊपर। ये मेरे ख्याल से ओल्ड मित्सुबिशी की गाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे लोगों को बहुत पसंद है यार, गाड़ियों से बहुत प्यार है। मतलब पुरानी पुरानी ओल्ड गाड़ियाँ यहाँ मिल जाएंगी आपको देखने को सारी, और बहुत ध्यान से रखते हैं यार गाड़ियाँ वगैरह ना, संभाल के एकदम। अभी जैकेट पहन ले क्योंकि धूप बहुत ज़बरदस्त हो रही है, नहीं तो अभी टैनिंग हो जाएगी। एक्चुअली ये जो जगह है ना, ये रास्ते में पड़ती है पताया जाते हुए, तो मैंने कहा निकलते हुए इसको भी देखते चलते हैं, बहुत बढ़िया जगह है। तो ये यहाँ की टिकट है 100 बाट की, वीकेंड पे 80 बाट की होती है, और सैटरडे संडे 100 बाट की है। और टिकट अपन ले लिए, तो चलते हैं अंदर, एंट्री करते हैं। तो जी अंदर से बहुत बड़ा है ये शीप फार्म, और बड़े सारे शीप्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये रेलगाड़ी बना रखी है इन्होंने, आप इसमें भी पूरा राउंड ले सकते हैं। जैसे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ, आप इसके अंदर बैठ के पूरा राउंड ले सकते हैं। एक्चुअली बहुत बड़ी जगह है ये, और शीप जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हो वहाँ पे अंदर घूम रही हैं, और ये पम्पकिंस बना रखे हैं बड़े बड़े, मतलब बेसिकली है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, ठीक है कॉन्सेप्ट इनका। और बच्चों के साथ तो आप कहीं पे भी इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि जैसे सफारी वर्ल्ड भी है, लेकिन ये अगर पताया की तरफ आते हो तो आप पहले यहाँ पे भी विजिट कर सकते हो, और काफ़ी अच्छी जगह, इंटरेस्टिंग जगह है। हेलो डोंकी, मिस्टर डोंकी है। और ये मंकी देखो, कुछ डिफरेंट ही लग रही है मुझे इसकी प्रजाति। लंबा होके सोया हुआ, कलर भी इसका अजीब सा है और फेस भी अजीब सा है। हेलो, आराम से लेटा हुआ है। इसके कलर, इसके बालों का कलर ना थोड़े ग्रीन ग्रीन से है, नॉर्मल जैसे जो होता है वो नहीं है, मुझे लग रहा है कुछ अलग ही कोई ब्रीड है ये मंकी की। बहुत ही सुंदर सा लग रहा है यार। और यहाँ पे राइड भी है गधों की, आप गधे के ऊपर राइड भी कर सकते हो, खाली बच्चों के लिए। और दोनों बच्चे इकट्ठे जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि सेम होना चाहिए। आएगा 100 बार ट्रेंट है इसका,
एक राउंड दे के लाएंगे पूरा का पूरा। और पहले समझाते हैं, ऐसी राइड शुरू नहीं होती, पहले नाम बताया कि दोनों डोंकीज का नाम क्या है, उसके बाद राइड शुरू करी है। भाई बहुत टेक केयर करते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ लगी मेरे को ये। रैबिट में जैसे सो रहे हैं अंदर और बच्चे लगे हुए रैबिट के साथ खेलने। और अगर आपने फूड वगैरह खिलाना है तो यहाँ पे मिल रहा है गाजरें 20 बाट की, पूरा पैकेट बना के रखा हुआ है, और साथ में वो गोभी वगैरह 40 बाट की। मतलब हर जानवर के लिए अलग अलग फूड रखा हुआ है पैक करके, आप यहाँ से लो और खिला लो इनको। बच्चे लगे हुए हैं खिलाने गाजर वाजर। एक्चुअली क्या है, काफ़ी बड़ा स्पेस है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने यूज़ किया हुआ है कि अंदर पूरा फार्म भी बना दिया, शीप फार्म, और यहाँ पे लोग आके इन्जॉय भी करें, इनको खाना भी मिल रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन भी कर रखा है इन्होंने। और यहाँ साथ में छोटी सी झील सी बना रखी है, आपने मच्छी वगैरह को खाना वाना खिलाना है या आपने बोटिंग वगैरह करनी है तो यहाँ पे कर सकते हो। बोटिंग हो रही है पीछे, और यहाँ पे बर्ड शो भी होता है जैसे सफारी वर्ल्ड में होता है, वैसे ही है सेम आई थिंक। इसके 50 बार एक्स्ट्रा है, ये शुरू होगा 4:30 बजे, तो तकरीबन 4:15 हो गया मेरे ख्याल से। ये भी देखते हैं, अगर आज चालू होता तो ये भी देखते हैं अपन चल के। और यहाँ पे जो सीटिंग बनाई हुई है ना बच्चों के लिए, जितनी भी टेबल्स बनी हुई है उस पर एक या दो कोई ना कोई कार्टून या कोई ना कोई जानवर बना रखा है, ताकि बच्चों को भी याद रहे और नाम भी याद रहे कि क्या क्या चीज़ें हैं। हेलो, हाय, हाउ आर यू। और यहाँ मेरे पीछे कितनी बड़ी शीप बना रखी है यार इन्होंने, मतलब थाईलैंड में यार कोई भी चीज़ इन्होंने बनानी है ना तो वो नेक्स्ट लेवल ही बनाते हैं, मतलब बड़ा ही बनाते हैं कुछ, और जेन्युइन होती है वाकई में। जैसे दुबई के अंदर होता है ना कि कोई भी चीज़ उन्होंने बनानी तो बहुत बड़े स्केल पे बनानी है, ऐसे ही थाईलैंड के अंदर अगर उसने कोई भी चीज़ बनानी है तो उसका मतलब होगा और वो जेन्युइन होगी। और यहाँ पर अगर 100 बार की टिकट ली है तो उसकी वर्थ है। और ये सामने की तरफ ग्रीट एंड ग्रैंड करके बना हुआ है, ये भी बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, मैं पहले इस पे गया हुआ हूँ, ये भी बहुत अच्छी जगह है। इस पे भी सारा कॉन्सेप्ट आइसक्रीम और डोनट्स वगैरह से बना रखा है, और बच्चों को बहुत पसंद आती है ये जगह। अभी ये 50 बाट की अलग से टिकट ली है एक, और ये बर्ड के लिए, अगर आपने बर्ड शो देखना है तो अंदर से आवाज़ें आ रही हैं बड़ी ज़ोर ज़ोर से, ये तोते की आवाज़ आई थी। तोते बहुत शोर मचाते हैं। तो ये बैट लगी हुई है, आपने इसमें से बताना है कि किसके अंदर है, अगर आपने सही बताया तो आपको मिलेंगे 100 बार। ओ भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल ही बर्ड है। तो ये सफ़ेद वाले तोते की गर्दन देखो, यस नो कर रहा है। बहुत ही प्यारा कलर है यार इनका, मतलब वो जो इनका फूड है ना वो एक तरीके का पिस्ते की तरह, उसको खोल के उसके अंदर से निकाल के एक सेकंड में खा लेते हैं। तो ये बर्ड शो भी ठीक था, 50 बार्ड में यार इसकी वर्थ थी, और काफ़ी सारे बर्ड थे यार, जैसे पैरेट बड़े बड़े कलर के थे और समझदार थे, सारी चीज़ें बच्चों के हिसाब से बहुत बढ़िया। बस हाँ थोड़ी टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा होती तो और ज़्यादा बढ़िया होया था, लेकिन ठीक था, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बढ़िया। उसके बाद आ गए थेपरा स्थित मार्केट में, ये पता है कि सबसे बड़ी मार्केट है
लोकल मार्केट जैसे पतुनाम के अंदर है, लेकिन ये पतुनाम से काफ़ी बड़ी मार्केट है। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, कपड़े से लेके मतलब फूड और मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी मार्केट है और यहाँ पे मेरा फेवरेट मिल रहा है राइस और मैंगो, वो लेते हैं। ममुआंग बोलते हैं आम को ना, यहाँ पे बहुत मीठा होता है और साथ में स्टिकी राइस है। हेलो तो जी, ये स्टिकी राइस। तो जी स्टिकी राइस है 50 बाट का और राइस के अंदर कोकोनट मिक्स किया होता है और मैंगो के साथ राइस का जो एक कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ज़बरदस्त होता है। अपन साहब बहुत ही अल्टीमेट है यार, ये अगर आओ तो ट्राई जरूर करना, ये बहुत टेस्टी होता है और ये आपको हर जगह मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे तरीके की आइटम मिल जाएंगी, सेम वेज वाला ऑप्शन भी है और सी फूड और चिकन सारी चीज़ें हैं। कितनी सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं और ये फ्रेश बनी हुई हैं सारी की सारी, और फ्रेश चिकन वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। और ये जो अभी आपको आम दिखाया था, ये मीठा आम था ना, ऐसे यहाँ पे कच्चा आम भी मिलता है, वो तो और भी ज़बरदस्त है। उसके साथ मिर्चे और वो साथ में चीनी देते हैं, ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है उसका, क्योंकि थाईलैंड का जो फ्रूट है वो बहुत ही मीठा है। और साथ में फिश, इनका ग्रिल करने का आइटम बहुत ज़बरदस्त है, पूरी फिश पूरे ढंग से ग्रिल हो जाती है। और ये लोग खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे खाने के। वेज के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये नहीं कि खाली चिकन या सी फूड के हैं, वेज के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। और कुछ ऐसे चिकन के पीसेस भी मिल जाएंगे अगर आपको सिंगल सिंगल चाहिए तो, 40 बाट से लेके 50 बाट ऐसे शुरू है। और ऐसे ही यहाँ पे वेज के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, ये सैलड वगैरह सारी वेज हैं, वेज स्प्रिंग रोल और सैलड, बिल्कुल वेज, जो वेज खाते हैं उनके लिए। और कुछ ऐसे सैलड के ऑप्शन भी मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको 20 बाट में कोई भी एक आइटम मिल जाएगी। ये सारी सी फूड की सैलड है, 20 बाट में जो मर्जी ले लो, मतलब फूड तो बहुत सस्ता है यहाँ पे। एक्चुअली थाई फूड बहुत सस्ता है, इंडियन फूड तो थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन अगर आप थाई फूड खा लेते हो तो वो बहुत सस्ता पड़ता है, 40 बाट 50 बाट से शुरू हो जाता है। या आप स्टिक वगैरह खाना चाहते हो चिकन की, तो वो तो 10-10 20-20 बाट की मिल जाती हैं। और अगर आप पोक वगैरह खा लेते हो तो पोक भी अवेलेबल है यहाँ पे, 40 बाट 30 बाट ईजी है। मतलब फूड्स जो यहाँ का स्ट्रीट फूड है ना, वो बहुत टेस्टी और बहुत सस्ता है। तो जी यहाँ पे चाइनीज़ वेज मिल रहा है, तो मैंने कहा ये भी ट्राई करके देखते हैं। चाइनीज़ में सेम वेज आइटम है कोई, 40 बाट में 7 पीस हैं और 50 बाट में 9 पीस। हेलो नटी, अरे ये लाएगा मैंने चाइनीज़ है, तो भाई ये ट्राई करते हैं चाइनीज़ वेज। ओके, तो भाई वेट करते हैं क्योंकि लाइन लगी हुई है यहाँ पे, तो क्यू के कार्ड है यहाँ पे, वो ले लेते हैं पहले। ओके तो भाई ये कह रहे हैं कि ये भी अलाउ है, तो मैं कोई बात नहीं, ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो एक चीज इन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया है। बाय बाय। तो जी 50 बाट में एक एक्स्ट्रा भी मिल गया और मेरे को 9 चीन मिल गए, यानी 9 पीस। और 10 बाट में चिकन स्टिक भी अवेलेबल है, कि आपने चिकन की स्टिक लेनी है या पोक की, 10 बाट से स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको बजट में मतलब कि खाना या सारी चीज़ें करनी है तो नॉर्मल खा सकते हैं आप। और अगर आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा तो एंड में शोरमा तो आपको मिल ही जाएगा हर जगह, वो बेस्ट ऑप्शन है ही है। अगर आपको लास्ट कुछ ना मिले तो लास्ट ऑप्शन वो रहता ही है। और अमरूद का साइज़ इतना बड़ा होता है यहाँ पे, बहुत बड़ा साइज़ है अमरूद का। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बैंकॉक की तरह अवेलेबल है, मतलब कि जो भी लेडीज़ की ड्रेसेस वगैरह हैं ये सारी की सारी आपको बैंकॉक में भी मिल जाती हैं। और यहाँ पे ये जो दुकानें लगी हुई हैं, ये इनके काउंटर छोटे छोटे जो हैं ये होलसेल भी करते हैं, क्योंकि इनकी दुकानें भी हैं और ये यहाँ पे काउंटर भी लगाते हैं। मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं जो बैंकॉक में मिलती है पतुनाम मार्केट में, बट
अगर आप जैसे प्लेटिनम वगैरह किसी मॉल में जाते हैं तो उनकी थोड़ी क्वालिटी डिफरेंट हो जाती है, वो कुछ अच्छी कैटेगरी में आ जाती हैं, बट यहाँ पे आपको मिल सब कुछ जाएगा। और मार्केट से बाहर निकलते ही आपको सोंगथे अवेलेबल है, यानी शेयरिंग वाली टैक्सी, आप इसमें बैठ के कहीं भी आ जा सकते हो, मतलब जहाँ भी आपको उतरना है आप बेल बजा दो, अंदर बेल लगी हुई है, ये उसी हिसाब से चार्ज करते हैं 10 बार 15 बार 20 बार। और अपन ने गाड़ी पार्क करी रोड के ऊपर, मैंने अंदर पार्क नहीं करी थी क्योंकि रोड पे जगह थी तो मैंने यहीं पार्क कर दी। तो चलते हैं, गाड़ी उठाते हैं पहले यहाँ से और फिर निकलते हैं होटल की तरफ, क्योंकि होटल में चेकिंग भी करना है जाके। तो जी होटल में पहुँच गए थे, मैं कहा रूम पहले चेकिंग कर लिया जाए। तो जी रूम मिल चुका है, रूम मैंने बुक किया था वही सेम जो मैं हर बार बुक करता हूँ 719। तो रूम तो जो पहले से देख रहे हैं उनको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी दिखा देता हूँ। रूम सेम, बाथरूम ओके रिपोर्ट, और साथ में सेफ दी हुई है और फ्रिज दिया हुआ है आपको साथ में छोटा, और कॉफ़ी वगैरह और पानी की बोतल जो होती हैं, बस इसमें बार नहीं होता लेकिन फ्रिज तो होता ही है। लेकिन इस रूम की सबसे जो खासियत है वो यहाँ का सी व्यू है, अभी इस टाइम दिखेगा नहीं, बाहर अंधेरा है, मॉर्निंग में दिखाऊंगा, बहुत ज़बरदस्त व्यू आता है यहाँ से। और जो लोग नए आए हैं यार उनको बता दूँ, ये रूम मैंने इस बार लिया 900 बाट का, नॉर्मली मैं ये रूम लेता हूँ 800 बाट का क्योंकि सी व्यू है, तो सी व्यू 100 बाट महंगा है, और अगर आप रोड साइड लेते हो तो 100 बाट सस्ता है। जैसे अभी 900 बाट का ये लिया है तो उस तरफ का आपको 800 बाट में मिल जाएगा, तो ऑनलाइन बुकिंग में भी सस्ता मिल जाता है। तो एक काम करते हैं, फटाफट फ्रेश होते हैं, नहा धो के। तो ये अपा रेडी हो गए हैं, शावर ले लिया है, अब निकलते हैं बाहर की तरफ क्योंकि 11 बजे यहाँ भी सब कुछ बंद होगा, कुछ नहीं पता गवर्नमेंट का, तो इससे पहले कुछ बंद हो तो निकलते हैं। चलो टाउन के अंदर, और यहाँ पे कॉन्सर्ट चल रहा है, जैसे लाइव बैंड वगैरह होते हैं, बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे डीजे वगैरह तो है हर जगह लेकिन यहाँ पे लाइव बैंड भी शुरू हो गया है, और यहाँ पे ज़्यादातर आपको ओपन पब्स और बार ही दिखेंगे ट्री टाउन के अंदर। दोनों तरफ आप जहाँ बैठना चाहे बैठ के अपना इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे बाहर में बैठ के आप बाहर देख सकते हैं कौन आ जा रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों को पसंद है बैठ के भी ये इंजॉय करना बाहर में, तो ये अच्छा ऑप्शन है। और कुछ ऐसे स्ट्रिप्स क्लब भी जो ओपन बने हुए हैं, आप ये भी इंजॉय कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, कम इन थाईलैंड पटाया, कम ऑन बेबी, थैंक यू। और इस पूरी लेन में आपको बार ही बार दिखेंगे और लाइव म्यूजिक, जहाँ बैठ के लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं बियर वगैरह, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा है ट्री टाउन के अंदर। यहाँ ओपन क्लब मिलेंगे आपको, बैंड वगैरह लाइव बैंड, दूसरे क्लब कम है, ओनली खाली पताया क्लब है अंदर की तरफ, उसमें आप जाके पार्टी इंजॉय कर सकते हैं अगर आपने फुल पार्टी इंजॉय करनी है, अदरवाइज आपके पास ये बाहर का ऑप्शन भी है।